सो गाइस फाइनली आज अपने जो गिलहरी के बच्चे उनको मैंने खोल दिया है और दोनों बच्चे अपना बेड पे उधम चौकड़ी कर रहे हैं, दोनों की दोनों उधम चौकड़ी कर रहे हैं। रिद्धि बैठी है चुप्पे चाप, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है। रिद्धि बिल्कुल शांति से बैठी है और दोनों बच्चे जो हैं फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे हैं रिद्धि को अच्छे से जान गए हैं और रिद्धि के पास खेलने लगते हैं। रिद्धि के ड्रेस में चला गया और एक बच्चा वो कॉर्नर पे है। थोड़ा सा ये दुलार सीख गए हैं, ये बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छे से हिल चुके हैं, तो ये चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा। और रिद्धि को भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं ये बच्चे। कितना प्यारे हैं रिद्धि, कितना प्यार करता है बेबी गिलहरी? क्या नाम है? तो इनका नाम जो है मोती झरना है। और रिद्धि के पास इस समय मोती है और झरना जो है वो अपने जुगाड़ में कहीं लगी हुई है, वो पीछे अपनी मम्मा के पास। सब अपने अपने सिस्टम पे हैं और ये सब जो हैं फूल उधम चौकड़ी कर। और अब इन लोगों की शरारत धीरे धीरे देखने में अच्छी लगेगी। धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं और सब्जी कट रही है, तो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे भी खाने को मिल जाए थोड़ी सी। और जहाँ भी पा रहे हैं ये खूब कूद फांद कर रहे हैं, खूब कूद फांद कर रहे हैं, कपड़ों में घुस रहे हैं, कपड़े अपड़े काटेंगे ही काटेंगे। मैं सोचता हूँ कि चलो खेलने कूदने दो इन बच्चों को। रिद्धि भी कमेंट्री कर रही हैं और ये जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो बच्चे हैं पूरी तरीके से इस घर को अपना घर समझ लें और ये अपने साथ हिल मिल के रहें और खुशी से रहें बिना भी किसी दिक्कत के। और छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यार भरा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। ये जो बच्चा है कुछ ना कुछ पूरा प्यार करा करता है। अभी कहो ये कपड़े में घुस जाए, ये मेरी कपड़े की अलमारी है। और ये जो है अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करता है पूरी तरीके से। और बस यही उम्मीद करते हैं लोगों को, धीरे से खुला छोड़ दूंगा, बट अभी नहीं छोड़ सकता हूँ बिल्कुल खुला, क्योंकि अभी इनको ज़्यादा पता नहीं है। इनको पूरी तरीके से मैं सिस्टम बनाऊंगा, इनको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे रहना है। और फिर ये पूरे घर में आज़ादी से जश्न मनाएंगे, खूब धूम धड़क्का करेंगे। और इतनी ज़्यादा शैतानी देख के इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। रिद्धि चुप्पे बैठी है क्योंकि वो जानती है ये बच्चे थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, पूरे घर में शैतानी करेंगे ये बच्चे और देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं इनको ज़्यादा डराऊंगा नहीं, क्योंकि ये डर गए तो फिर ये हिल नहीं पाएंगे। इन बच्चों को पूरी आज़ादी दूंगा, पूरी आज़ादी मतलब पूरी आज़ादी। और दूसरा वाला कहाँ है, चलिए देखते हैं दूसरा वाला बच्चा कहाँ गया, उसको पकड़ते हैं ज़रा। दूसरा वाला बच्चा रिद्धि दीदी से प्यार करा रहा है, थोड़ा सा प्यार करा रहा है। क्या कह रहे हो, तुम्हारी गिलहरी तो दादी ले जाएंगी? नहीं ले जाएंगी? अच्छा ठीक है, नहीं ले जाएंगी। दादी तो वैसे भी कहती है रिद्धि गिलहरी है, ये दीदी का है। हाँ रिद्धि दीदी का है। काफ़ी ज़्यादा हिल गए तो देख के बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का प्यार। और मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इनको बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा, खैर भगवान की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब बच गए बहुत अच्छे से, कूद गया नीचे। अच्छा जेठिया नाम रखोगी क्या उसका? क्या नाम है? झरना नाम है। अच्छा बढ़िया, दोनों अपना हिल मिल के रहते हैं और अपने हाथ से अब तो ये खाने पीने लगे। सोचा था आपको इनको फुल वीडियो दूंगा बट किसी रीज़न की जैसे फुल वीडियो नहीं दे पा रहा था। आज टाइम मिला है मुझे इन बच्चों की फुल वीडियो देने का और ये बच्चे हैं बहुत अच्छे से हिल गए हैं, मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। अरे अरे क्या बात है, अरे अरे। और सबसे बात अच्छी है कि ये जो है फुल टेम्ड और फ्रेंडली हो चुके हैं और इन फ्रेंडली जो हो गए हैं तो इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, एक बड़ा यूट्यूबर बनने की फिराक में रिद्धि भी है। पता नहीं इसकी बिचारी की वीडियो कब वायरल होगी। क्यों हो रिद्धि? गिलहरी खेल रही है बाबू की। अरे अरे दोनों अपनी शैतानी की फिराक में। अच्छा वो खेल रहा है, खेलने तो बेटा पकड़ते नहीं ना ऐसे। ऐसे
वो देखो सो गया। ओ ओ ऋतिक गोदी में जाते ही ये सो जाता है। देखो गोदी, देखो उठ गया, उठ गया। देखो खेलने लगी सिस्टर के पास। सिस्टर मिस, सिस्टर मिस, बहन बहन। देखो बहन बन गई। अच्छा बहन बन गई तुम। देखो छोटे बेबी बन गए। गिलहरी वो भी मुस्कुरा रही, गिलहरी भी। एक तो भैया अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ है, परेशान कर रहा है, कोशिश करता हूँ दिखाने। ये बैठा हुआ है हाथ पे चढ़ के, उसको यही मज़ा मिलता है। फिर रिद्धि ले लिया उसको। कुल मिला के खूब उधम चौकड़ी होने वाली है। और ओली की बात की तो उसके टिक्स हो गए, और पाउडर वगैरह सब मंगा लिया है ओली के लिए, और जल्द ही पाउडर से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मुझे उसके लिए मेडिसिन ऑर्डर करनी पड़ी। बस मेडिसिन आएगी जैसे ही, काम अच्छा हो जाएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मौज मस्ती के साथ। और आप लोगों को गिलहरी की वीडियो और पेट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्क्वायरल गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।